अध्ययन। नीतीश सरकार के एक लेटर और बीजेपी कोटे के मंत्री के दावे को लेकर बिहार की राजनीति में गर्माहट आ गई है। दरअसल मामला अवैध घुसपैठ का है। मंत्री रामसूरत राय दावा कर रहे हैं कि सीमांचल में घुसपैठियों ने मंदिर और मठ पर कब्जा कर लिया है। वहीं घुसपैठ को लेकर राज्य सरकार ने किशनगंज जिला प्रशासन को पहचानने के आदेश दिए हैं। इन दोनों मसलों को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। विपक्ष छोड़िए, जेडीयू ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और विपक्ष दोनों की नूरा कुश्ती का लुत्फ उठा रहा है। मंत्री रामसूरत राय के बयान पर मचा घमासान। क्या सीमांचल के मंदिर मठों पर हो रहा है कब्जा? सरकार ने घुसपैठियों की पहचान का दिया निर्देश। क्या सीमांचल में घुसपैठियों ने कब्जा कर लिया है? क्या मंदिर मठों के खिलाफ साजिश रची जा रही है? ऐसा ही दावा बीजेपी कोटे के मंत्री रामसूरत राय ने किया है, जिस पर बवाल खड़ा हो गया है। जेडीयू ने इस बयान पर पलटवार किया है। सच्चाई है कि सीमांचल इलाकों में घुसपैठी आ रहे हैं, बाहर के लोग बस रहे हैं। स्थानीय लोगों से मुझे जानकारी मिली है और अपने प्रमंडलीय बैठक के दरमियान जब मैं पूर्णिया, अररिया और भागलपुर गया था, काफी लोगों ने बताया। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको आसाम में घुसपैठिए नजर आते हैं, किशनगंज में घुसपैठिए नजर आते हैं, और क्या बोलते हैं ये पूर्णिया में घुसपैठिए नजर आते हैं और अररिया में नजर आते हैं। तो उनका वही मंशा, वही एजेंडा है। इसे हम लोग बहुत ज्यादा नोटिस नहीं लेते हैं इसकी। बीजेपी कोटे के मंत्री के बयान पर जेडीयू ने पलटवार किया, आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। लेकिन वो खारिज कैसे कर रहे हैं, इस पर भी सवाल है, क्योंकि राज्य सरकार ने घुसपैठियों की पहचान करने का आदेश जिला प्रशासन को दिया है और हवाला हाई कोर्ट के निर्देश का दिया जा रहा है, जिस पर अब AIMIM की निगाहें टेढ़ी हो गई हैं। शंका NRC लागू करने की जताई गई है। नहीं, सही बात है कि ये तो माना वही जा रहा है कि ये चोर दरवाजे से ही सरकार एक तरफ कह रही है कि हम जब तक हम जिंदा हैं NRC नहीं होगा बिहार में, और ये कहीं ना कहीं ये संघ के दबाव में आकर के इस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि लोग मान रहे हैं, अल्पसंख्यक कहीं ये समझ रहे हैं कि ये चोर दरवाजे से ही लागू करने का प्रयास किया जा रहा है। घुसपैठियों को लेकर भले ही बीजेपी और जेडीयू आमने सामने हो, लेकिन विपक्ष को लगता है कि ये महज नूरा कुश्ती है, क्योंकि UP में चुनाव है और वहां मुद्दों से हटकर बात घुसपैठ के बहाने खास समुदाय को टारगेट करने की है। बातों में विरोधाभास क्यों है? इसका मतलब है कि सरकार की जो नीतियां हैं वो कोई ठोस नीति नहीं है। और घुसपैठी अगर आ रहे हैं तो बीजेपी सरकार में क्या कर रही है? बंगाल चुनाव से भी पूर्व भारतीय जनता पार्टी का इसी प्रकार का बयान आता था, और अब उत्तर प्रदेश में चुनाव है तो घुसपैठिए, पाकिस्तान, आतंकवाद की चर्चा वो करेंगे। दरअसल बीजेपी कोटे के मंत्री जो आरोप लगा रहे हैं कि घुसपैठ हो रही है और कब्जा हो रहा है, इससे वो अपने दिल्ली की सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। सीमा की रखवाली का जिम्मा केंद्र के हाथों में है। अगर घुसपैठ हो रही है तो सीमा की रखवाली करने में केंद्र नाकाम है, फिर दोषी कौन है, या फिर मंशा कुछ और है? कई भाजपा नेता इससे पहले भी सीमांचल को लेकर ऐसे बयान देते रहे हैं, जिसे साफ है कि JDU और भाजपा के बीच में सीमांचल को लेकर मतभेद है। लेकिन इस बार जिस तरह का बयान JDU की ओर से आया है, उससे ये कहा जा सकता है दोनों दलों के बीच इस मुद्दे को लेकर रिश्ते ठीक नहीं हैं। कैमरामैन निशांत के साथ शैलेंद्र, जी मीडिया, पटना। बीजेपी